आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव और संभवतः विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में एक साथ होने की संभावना है। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस बार जैसा कि हमारे साथियों ने आने से पहले तमाम तरह के स्लोगन लगाने का काम किया कि देश की नेता कैसी हो, बहन जी जैसी हो, देश की पीएम कैसी हो, बहन जी जैसी हो। लेकिन साथियों, ये नारे तब तक खोखले नारे साबित होंगे जब तक इन नारों में जान डालने के लिए बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से इस नारों को हकीकत में तब्दील करने के लिए जुटने का काम नहीं करेगा। नहीं तो साथियों, जिस समय से बाबा साहब के पुनर्निर्माण के बाद जिस तरह से भारत का बहुजन समाज लीडरलेस हो गया था, जिस तरह से बाबा साहब के पुनर्निर्माण के बाद महाराष्ट्र जो बाबा साहब की जन्मभूमि कर्मभूमि थी, वहां से साथियों अंबेडकर का साथियों आंदोलन लगभग समाप्त प्राय था, उस आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम पंजाब के युवा माननीय कांसीराम साहब ने जब देने का काम किया, तो उन्होंने इस महाराष्ट्र के लोगों के साथ साथ इस देश के तमाम लोगों से कहा कि आप लोग नारा लगाते हैं, बोले तेरा मिशन अधूरा, साहू तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। लेकिन हम लोग अपने गरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं। क्या महाराष्ट्र के लोग अपने गरेबान में झांक करके देखते हैं कि जो नारा हम लोग लगाते हैं कि महापुरुषों के आंदोलन को पूरा करने का काम करेंगे, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश के जैसे या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों की तरह क्या हमने नारों में हकीकत में जान डालने के लिए क्या हमने प्रयास करने का काम किया? साथियों, सही माने में नहीं किया। अगर हमने नहीं किया, अपनी नाराजगी नहीं छोड़ी, तो हम कितने भी नारे लगा लें, इन नारों को हकीकत में तब्दील नहीं कर पाएंगे। यही साथियों बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट की हकीकत है। अगर आप लोग सही माने में इन नारों में जान डालना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये करें जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी, जो एकमात्र इस देश की एकमात्र ऐसी नेता है, एकमात्र ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो इस देश में बोले साहू अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बोले साहू अंबेडकर की विचारधारा को हकीकत में तब्दील करना चाहती है। तो साथियों, फिर देश इस बात की कंफ्यूजन किस बात का है, किस बात का साथियों कंफ्यूजन है, क्यों नहीं हम अपनी नेता के साथ, क्यों नहीं अपनी पार्टी के साथ हम साथियों पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं? अगर साथियों महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश की तरह, अन्य प्रदेशों की तरह पूरी ताकत के साथ खड़े हो, तो अगर आप साथियों इस वर्ष के चुनाव में आप लोग अपना खाता खोलने का काम करेंगे, तो अगले चुनाव में निश्चित रूप से आप बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे। माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे, हम जब तक हम पॉलिटिकल पावर नहीं हो सकते हैं, जब तक हम पॉलिटिकल पावर को अपने हक कर में कैप्चर करने के लिए ताकत नहीं तैयार कर सकते हैं, तब तक कम से कम हम पॉलिटिकल क्लाउड को बनाने का काम करें, तब तक हमें राजनीतिक शक्ति को बनाने का काम करें। साथी, इतिहास इस बात का साक्षी है, ये महाराष्ट्र का वही प्रदेश है जिस प्रदेश के युवाओं ने, जिस प्रदेश के नौजवानों ने बाबा साहब की इसी धरती का, जहां से बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया था, यही की यूनिवर्सिटी को मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के नाम को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने जान तक देने का काम किया। और साथियों, इस कांग्रेस पार्टी जो इस प्रदेश में भी सत्ता में थी, केंद्र में भी सत्ता में थी, बाबा साहब के पुनर्निर्माण के बाद लगातार सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात तो दूर, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम में बाबा साहब का नाम तक जोड़ने का काम नहीं किया था। अगर सत्य झूठ बोलना तो बताने का काम करेंगे, नहीं किया था। यहाँ तक कि बाबा साहब के पुनर्निर्माण के बाद वर्षों तक जो उन्होंने विधानसभा में पारित कर दिया था मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में नाम परिवर्तन के लिए, उसको भी उन्होंने इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया था। कब इंप्लीमेंट करने की सोची? जब माननीय कांसीराम साहब ने इसी महाराष्ट्र की धरती से 1971 में आरपीआई और कांग्रेस के बीच समझौते से सबक लेकर के
महाराष्ट्र से जाकर के उस सूखे पड़े सापियाई के सूखे पड़े पौधे को सींचने के लिए बहुजन समाज पार्टी के रूप में तैयार करने का काम उत्तर प्रदेश में किया। और 1984 के दिसंबर 1984 के अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो साथी जो पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनी थी उस कमिटमेंट के साथ बनी थी कि वो हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो भोजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट से लेंगे सीएम पीएम आरक्षण से लेंगे एसपी पीएम, जब इन नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। और चंद महीनों के बाद ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो कम समय में पूरे 5 साल से पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए, तो जब चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी इसी हाथी चुनाव निशान को मान करके चुनाव लड़ने का काम किया, इसी हाथी चुनाव निशान को मान करके चुनाव लड़ने का काम किया और लगभग 300 सीटों पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी। आदरणीय बहन जी कैराना से चुनाव लड़ी, 44,443 वोट पाकर के देश के सबसे ज्यादा बीएसपी में कैंडिडेटों ने वोट लेने का काम किया। माननीय श्री कांशीराम साहब मध्य प्रदेश से जांजगीर से चुनाव लड़े, 36,000 कुछ वोट लेके सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर वोट लेने वाले रहे और टोटल लगभग 10,00,000 वोट पाए, जबकि उसी समय सबसे बड़ी आरपीआई खोबरा वाले गुट ने मात्र 1,00,000 वोट लेने का काम किया, जबकि 8 महीने की बहुजन समाज पार्टी ने 10,00,000 से ज्यादा वोट लेने का काम किया। तो जो नारे माननीय कांशीराम साहब ने आदरणीय बहन जी ने 14 अप्रैल 1984 को लगाने का काम किया था कि अब भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है, जो भोजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, उन नारों में जान डालने के लिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने आदरणीय बहन जी ने कड़ा संघर्ष करने का काम किया। और मात्र 5 साल के अंदर ही 84 के चुनाव के बाद 89 में चुनाव हुए, 89 में चुनाव होते ही 3 परमंडला पार्लियामेंट चुन करके बीएसपी आई और 13 विधायक जीत करके बहन जी ने बीपीसी की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मंडल कमीशन के साथ साथ बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए मजबूर कर दिया साथियों, जिन बाबा साहब को तमाम तरह के संघर्षों के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ और 1990 तक साथियों किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। कब देने का काम किया? जब बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब की उस बात को ध्यान में रखते हुए कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की विद विच वी कैन ओपन एनी लॉ आइदर सोशल इकोनॉमिकल और कल्चरल लॉ, साथियों उस तहत जब उस मास्टर की तरह बहुजन समाज पार्टी ने अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया तो मजबूरी में बीपीसी की सरकार ने न सिर्फ बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया बल्कि जो डिमांड इस देश में सबसे पहली बार मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा देने वाली बहुजन समाज पार्टी ने लगाने का काम किया था। और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसी के कहने पर नहीं, सिर्फ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दम पर, क्योंकि वो चाहते थे कि बहन जी कोई मंत्रालय ले ले और पार्लियामेंट में चुपचाप बैठे रहे, लेकिन बहन जी ने कहा कि मुझे मंत्रालय नहीं चाहिए, हम मंत्री बनना चाहेंगे तो अपने दम पर बनेंगे। और वो बहन जी ने करके दिखाने का काम किया, मंत्री नहीं बनी, बहन जी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनने का काम किया। और साथियों जब भारतीय जनता पार्टी ने साहब को राष्ट्रपति बनाने की बात की, बहन जी को राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की, तो जैसे साहब ने कहा था कि मुझे राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं बनना है, मुझे इस देश का शासक बनना है, कि मुझे इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि बहन जी केंद्र में कोई मंत्री या कोई और पद नहीं लेना चाहती है, बहन जी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने का काम करेंगे। ये काम कैसे संभव हुआ साथियों? राजनीति की मेहनत के बाद संभव हुआ, राजनीति की मेहनत के बाद, क्योंकि साथियों आज हम अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर आनंद जी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि आखिर बीएसपी और अन्य पार्टियों में अंतर क्या है,
बीएसपी के सांसदों में और अन्य सांसदों में क्या अंतर है, तो माननीय उपाध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। क्यों वो आज बात आई, जैसे कि आपने अध्यक्ष जी ने कहा, जो स्टेचू सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल बिल में लगाने का काम किया गया बाबा साहब का, वो साथियों मैं आपको बता दूं, इस देश में बाबा साहब के पार्लियामेंट में स्टेचू के लिए भी संघर्ष करने का काम साथियों 1965 पे सबसे बड़ा काम साथियों भले ही आरपीआई के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष उत्तर प्रदेश से हुआ था, तब पार्लियामेंट में स्टेचू लगने की साथियों। और इस बार भी साथियों जो एडिशनल बिल में स्टेचू लगाने की बात आई थी, तो साथियों ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्तर महाराष्ट्र से नहीं थे, पूरे देश से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए एससी के जो 131 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो बैठते हैं एससी के, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने बताया कि यही अंतर है जो पार्लियामेंट लोकसभा में जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं उनमें जो बीएसपी को छोड़ करके अन्य पार्टियों के सांसद जो बैठते हैं वो वहां पर सांसद उनके नहीं होते हैं, बल्कि उन पार्टियों के सांसद होते हैं जिन पार्टियों से चुन करके आते हैं, इसलिए वो वहां कैसे बैठते हैं, डीप और ग्राम घूमे और पहले की तरह बैठते हैं। यही कारण था जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील माननीय भावले जी मंत्री जी के पास गए कि साहब पार्लियामेंट के उसमें एडिशनल बिल में स्टेचू लगना चाहिए, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के लोग कहे थे उन्होंने उस बात को बताया, जब वो तमाम एमपी के पास घूम फिर करके आए लौट के, जब मेरे पास किसी ने बताया भाई एक सांसद है असोस से जाके उनके पास जाइए, मेरे पास आए तो मैंने कहा ठीक है मैं कल आपको जवाब दूंगा। आदानिया बहन जी से मैंने पूछा तो बहन जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, बहन जी के निर्देश से साथियों मैंने प्रयास किया, मैं नहीं कहता हूं कि साथियों मेरे प्रयास से वो हुआ, लेकिन एक बात जरूर है कि साथियों वो स्टोरी आपको याद रखना चाहिए कि जंगल में जब आग लगी थी तो वहीं पर बंदर और तमाम जानवर उस लगी आग को तमाशा देखने का काम कर रहे थे, और एक चिड़िया अपनी चोंच से दो बूंद पानी लाकर के उस आग को बुझाने की प्रयास कर रही थी, तो बंदर उसको मजाक बनाते हुए बोला कि भाई तुम्हारे दो बूंद से क्या होगा, फड़फड़ा के जल के मर जाओगी, तो उसने कहा मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में होगा, मेरा नाम बुझाने वालों में होगा। वैसे ही साथियों उन 131 सांसद जो बैठे थे उनमें बीएसपी के सांसद को छोड़ करके किसी ने भी साथियों उस पार्लियामेंट उस सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल बिल में स्टैचू लगाने के लिए प्रयास करने का काम नहीं किया, प्रयास अगर किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। और ऐसे ही दूसरा एग्जांपल जो साथियों हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने दिया वो दूसरा एग्जांपल था कि जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का दिन आया, आप लोगों को याद होगा जब प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम इस देश में सबसे पहली बार किसने किया, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, जो नायब तहसीलदार था सीधा साथियों डिप्टी कलेक्टर बन गया, जो जूनियर इंजीनियर था सीधा एक्सीम बन गया, जो साथियों क्लर्क था वो साथियों अपने ऑफिस का सुप्रिंटेंडेंट बन गया, जो तहसीलदार था साथियों सीधा एडीएम बन गया, जो एसडीएम था साथियों वो कलेक्टर तक की स्थिति में पहुंच गया। कहने का मतलब साथियों ये है लाखों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में निर्देशक के उच्चियो के कारण जो बहन जी ने 2007 से 2012 की सरकार में सरकार बनते ही साथ का लाभ देकर के लोगों को प्रमोट करने का काम किया था, लाखों लोगों को लाभ देने का काम किया था, देश में पहला प्रदेश आदरणीय बहन जी का उत्तर प्रदेश था, पहला प्रदेश था। लेकिन जब बहन जी की सरकार गई तो समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वो सबके कोर्ट पे चली गई, वो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई, बहुजन समाज पार्टी लड़ती रही, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और बीएसपी के मुद्दे पर उनकी सरकार चल रही थी तो बहन जी ने राज्यसभा में बिल को पास करा दिया था, राज्यसभा में भी पास हो गया, लेकिन जब लोकसभा में आया तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो 131 लोकसभा मेंबर चुन के आते हैं
जो बीएससी से चुन करके आते हैं वो पूरे देश में कहीं भी तो सीटी हो, एससी एसटी पे, ओबीसी पे, तो बीएससी के सांसद लोकसभा में उठाने का काम करते हैं, राज्यसभा में उठाने का काम करते हैं। लेकिन बाकी पार्टियों के सांसद, चाहे आपका राहुल हिमालय हो, चाहे आपके सत्य ठाकरे जी हो, चाहे तमाम और तरीके के हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, चाहे प्रमोशन रिजर्वेशन की बात हो, एग्जाम्पल आपके सामने है। जब लोकसभा में बिल आया, पहले तो कांग्रेस और बीजेपी की नियत नहीं थी कि ये बिल पास हो, लेकिन फिर भी उसका साथियों सेरा किसके ऊपर लगती, किसके ऊपर गई, समाजवादी पार्टी के उस दलित एमपी के ऊपर गई। वो दलित समाज का एमपी था जिसने उस बिल को फाड़ने का काम किया था, किसकी सह पर, समाजवादी पार्टी के नेताओं के सह पर। और उसने किसने साथ दिया था, एक छत्तीस समाज के लोकसभा मेंबर चंद्रशेखर के पंडित, जो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जी के बेटे नीरज शेखर है। साथियों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो 131 मेंबर आप पार्लियामेंट चुन करके जाते लोकसभा में, अगर बीएसपी से चुन करके जाएगा तो आपकी बात को उठाएगा, आपके इसी जिले से जो एमएलए चुनकर, आमदार चुनकर जाते हैं, क्या आपकी बात उठाते हैं? आपकी इसी जिले का जो रिजल्ट आमदार चुनकर जाता है वो क्या कहता है, हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, यही तो कहते हैं, यही कहते हैं। और हम और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं हिंदू राष्ट्र में हमारी आपकी स्थिति क्या होगी, हमारी आपकी स्थिति क्या होगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था होगी, और वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम और आप कौन सी श्रेणी में आएंगे, फिर से चौथी श्रेणी में। कहने का मतलब साथियों ये है कि बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों में सिर्फ यही अंतर है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज में जागरूकता पैदा करके उन्हें इस देश का उन्नत समाज बनाना चाहती है, और अन्य पार्टियां आपको गुलाम बनाए रखना चाहती है। अब आपके ऊपर फैसला करना है, फैसला आपको करना है, या इस देश को उन्नत समाज बनना चाहते हो या फिर पहले की तरह गुलाम बने रहना चाहते हो, ये फैसला आपको करना है। साथियों कि आप ऐसे आमदार को चुनना चाहते हैं, ऐसे खासदार को चुनना चाहते हैं जो आपके सुख दुख, आपके ऊपर एट्रोसिटीज को लोकसभा और राज्यसभा में उठाने का काम करे, ये फैसला साथियों आपको करना होगा। तभी उन नारों में आप जान डाल पाओगे कि आप की बारी है कि किसी सदी हमारी है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बहन जी करेगी पूरा। ये तभी साथियों इस नारे में तभी जान पड़ेगी जब सही माने में आप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हरि जी के बताए सारे पर आप संगठन को सही माने में ईमानदारी निष्ठा से बनाने का काम करेंगे, तभी साथियों आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं साथियों बहुत ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी आप लोगों के बीच में बैठे हैं और वो आप लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, हमारे जो मुख्य मार्गदर्शक है वो भी आपके बीच बात रखेंगे। साथियों जैसे उत्तर प्रदेश में हमने एक दो बार नहीं, चार चार बार सरकार बनाई है, हमने तमाम प्रदेशों में अपने आमदार और खासदार चुनने का काम किया है, इसलिए कुछ कठिन भी नहीं है, केवल आपको हिम्मत चुकाने की बात है। क्योंकि कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जय भी